ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आज की वीडियो में जानेंगे शनि प्रदोष व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इसके साथ ही श्रवण करेंगे शनि प्रदोष व्रत की कथा। अप्रैल माह का पहला प्रदोष व्रत 6 अप्रैल दिन शनिवार को है। पंचांग के अनुसार यह व्रत हर महीने में दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को रखा जाता है। अप्रैल में पहली त्रयोदशी तिथि शनिवार के दिन पड़ रही है। त्रयोदशी तिथि अगर शनिवार के दिन हो तो इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाता है। वैसे तो प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव शंकर की पूजा की जाती है, लेकिन अगर प्रदोष व्रत शनिवार के दिन होता है तो इस दिन शिव जी के साथ शनि देव की भी पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से शिव शंभु के साथ शनि देव भी प्रसन्न होते हैं और कुंडली से शनि दोष दूर होता है। शनि प्रदोष व्रत 2024 शुभ मुहूर्त। इस बार चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि की शुरुआत 6 अप्रैल को सुबह 10:19 से होगी। इसका समापन 7 अप्रैल को सुबह 6:53 पर होगा। प्रदोष व्रत के दिन संध्या काल में शिव की पूजा करने का विधान है। ऐसे में 6 अप्रैल को शनि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। शनि प्रदोष व्रत पूजा विधि। शनि प्रदोष व्रत वाले दिन पूजा के लिए प्रदोष काल यानी शाम का समय शुभ माना जाता है। सूर्यास्त से 1 घंटे पहले भक्त स्नान करें और पूजा के लिए तैयार हो जाए। स्नान के बाद संध्या के समय शुभ मुहूर्त में पूजन प्रारंभ करें। गाय के दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल आदि से शिवलिंग का अभिषेक करें। फिर शिवलिंग पर श्वेत चंदन लगाकर बेलपत्र, मदार, पुष्प, भांग आदि अर्पित करें। फिर विधि पूर्वक पूजन और आरती करें। शनि प्रदोष व्रत का महत्व। शनि प्रदोष व्रत करने से भगवान शिव के साथ शनि महाराज भी प्रसन्न होते हैं। शनि प्रदोष व्रत करने से मनुष्य को लंबी आयु के साथ सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर हो जाते हैं और अंत में वह सभी सुखों को भोग कर मोक्ष प्राप्त करता है। अब श्रवण करेंगे शनि प्रदोष व्रत कथा। प्राचीन काल में एक नगर में सेठ रहते थे। सेठ जी के घर में हर प्रकार की सुख सुविधा थी, लेकिन संतान नहीं होने के कारण सेठ और सेठानी हमेशा दुखी रहते थे। काफी सोच विचार करके सेठ जी ने अपना काम नौकरों को सौंप दिया और खुद सेठानी के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। अपने नगर से बाहर निकलने पर उन्हें एक साधु मिले जो ध्यान मग्न बैठे थे। सेठ जी ने सोचा कि उन साधु से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा की जाए। सेठ और सेठानी साधु के निकट बैठ गए। साधु ने जब आंखें खोली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि सेठ और सेठानी काफी समय से आशीर्वाद की प्रतीक्षा में बैठे हैं। साधु ने सेठ और सेठानी से कहा कि मैं तुम्हारा दुख जानता हूँ, तुम शनि प्रदोष व्रत करो, इससे तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। साधु ने सेठ सेठानी को प्रदोष व्रत की विधि भी बताई और शंकर भगवान की वंदना बताई। हे रुद्रदेव शिव नमस्कार, हे शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सूर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तत्व रूप मन नमस्कार, ईशान इस प्रभु नमस्कार, विशेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। दोनों साधु से आशीर्वाद लेकर तीर्थ यात्रा के लिए आगे चल पड़े। तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद सेठ और सेठानी ने मिलकर शनि प्रदोष व्रत किया, जिसके प्रभाव से उनके घर सुंदर पुत्र का जन्म हुआ और खुशियों से उनका जीवन भर गया। कथा समाप्त। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में भगवान शंकर, माता पार्वती एवं शनि महाराज की जयकारा लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। आपको मेरे चैनल पे व्रत त्योहारों की जानकारियाँ एवं उनसे जुड़ी कथा कहानियाँ मिलती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।